मैंने अभी एक तबलीग जमात की वीडियो देख रहा था, तो वो कहता है औरतों को वालों को कहीं भी अच्छी जगह या डांटते या महफूज जगह पर रखते, तो ये कैसा है करना? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें कंघी किया करती थी, आपकी अज़वाज मुतहरात भी करती थी। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि औरतों के बालों को किसी जगह पे ले जाके दफन किया जाए या उसे छुपा के कहीं पे डाल दिया जाए, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। इसलिए कि जब तक कि वो बाल औरत के बदन पे है, औरत के जिस्म पे है, सर पे है, उस वक्त तक उसकी हुर्मत है। उसके बाद अलहदा होने के बाद उसकी हुर्मत खत्म हो जाती है। तो इस सिलसिले में जो आमतौर पे तबलीग जमात के अंदर इस तरह की जमातें फैली हुई हैं, इनकी कोई असली और हकीकत नहीं है। और यही वजह है कि ये लोग मसूरात के बाल को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन करते हैं। ये गलत तरीका है, बल्कि उसे फेंक देना और ज़ाय कर देना यही बेहतर है। इस जी ताल्लुक से जी एक खास नसीहत है औरतों के लिए, और वो ये कि जब बालों को कंघी करें तो ऐसी सूरत में बालों को काट दें, यानी जो कंघी से निकले हुए अलग बाल हैं, जुदा बाल हैं, उसे काट दिया करें या उसे तोड़ दिया करें, इसलिए कि बालों पे जादू भी किया जाता है। तो जो बाल साबित होते हैं, काटे नहीं जाते हैं, उन पे जादू करना आसान होता है। तो ये नसीहत के तौर पे बातें थी।